पनीर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 150 ग्राम पनीर, पनीर को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, आधा कप चीनी, ये मेजरिंग कप से नाप के मैंने आधा कप चीनी ली है, थोड़े से केसर के धागे 2-3 चम्मच दूध में मैंने भिगो के रखे हैं, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून पिस्ता की शेविंग्स, मैंने पिस्ते को बारीक काट के रखा है, और थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश। ये आप मन चाहे आप और भी कोई नट्स इसमें डाल सकते हैं, मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं, और आप जितना चाहे इसमें मेवा डाल सकते हैं। ये मैंने लगभग 1/4 कप नट्स लिए हैं, और साथ में हमें चाहिए 1 लीटर दूध। तो पनीर की खीर हम बनाते हैं, बहुत इजी है इसको बनाना, खाली थोड़ा सा दूध को काढ़ने में हमें टाइम लगेगा और बाकी कुछ भी नहीं इसमें करना है, सारी चीजें हमें मिक्स कर देनी है, बहुत टेस्टी खीर बनके तैयार होगी। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दूध को हम एक हैवी बॉटम पैन में डाल लेंगे, और ये मैंने कढ़ाई में दूध को डाल के रखा है, गैस को ऑन कर दिया है, और अब हमें दूध को बॉयल आने तक पकाना है, और बॉयल आ जाएगा दूध में, उसके बाद इसको लगातार हिलाते हुए इसकी क्वांटिटी जब तक हाफ नहीं हो जाती तब तक हमें इसको पकाना है, मतलब हमें दूध को थोड़ा रिड्यूस करना है। दूध में बॉयल आ गया है और हम आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे, और साइड से हम ये स्क्रैप करते रहेंगे और वापस इसको दूध में मिलाते रहेंगे। मलाई थोड़ी सी साइड में जमने लगती है दूध जैसे जैसे पकता है, तो हम कढ़ाई के किनारों को इस तरह से साफ करते हुए दूध को पकाएंगे और दूध की क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, तब तक हम इसे पकाएंगे। दूध को पकते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं और दूध बिल्कुल क्वांटिटी में हाफ हो चुका है, तो अब हम इस दूध में चीनी मिला देंगे, और चीनी एक बार हम थोड़ी सी बचा लेंगे, मैंने ये जो चीनी ली थी उसमें से लगभग 1/4 कप चीनी इसमें बचा ली है, और चीनी मिला के हम इसमें डालेंगे पनीर, और उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि चीनी और डालनी है इसमें तब हम इसमें चीनी और मिलाएंगे, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा चीनी इसमें मिला सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और किशमिश मैंने लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह से और पकाएंगे। क्योंकि हमने अभी इसमें चीनी डाली है तो चीनी भी जब मेल्ट होएगी तो वो अपना पानी रिलीज करेगी, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। खीर थोड़ी हमें वापस से थिक लगने लगेगी तब तक हम इसे पकाएंगे, और तब तक ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ये भी पक के सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसे हम लगातार हिलाते हुए लगभग 5 से 10 मिनट और हम इसको पका लेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और मिक्सचर काफी थिक हो चुका है, और ये ठंडा होने के बाद और थिक होगा, इसलिए अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है, हमें पनीर ऊपर दिख रहा है, मेवे ऊपर दिख रहे हैं, यानी दूध काफी रिड्यूस हो चुका है और हमारी खीर बनके तैयार है। गैस को मैं कर देती हूँ बंद, और अब इसमें हम डाल देंगे केसर जो हमने भिगो के रखी थी ये, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। थोड़ी सी खीर लेके वापिस से मैं इस कटोरी में डाल के इसको निकाल लूंगी, जिससे केसर का जो पूरा जो एसेंस है वो इसके अंदर आ जाए। साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें ये इलायची का पाउडर, इलायची हमेशा आप खीर पकाने के बाद डालें, बीच में ना डालें, नहीं तो इसका पूरा फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। और खीर को हम डिश आउट कर लेते हैं, हमारी बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार है। मैंने इसमें वो जो चीनी बचाई थी वो मैंने और डाली नहीं है, मैंने टेस्ट किया था और हमारे हिसाब से चीनी इसमें परफेक्ट थी, हम थोड़ा कम मीठा खाते हैं, और आप अगर टेस्ट करके आपको लगे कि आपको चीनी की और जरूरत है तो जरूर डालिएगा। अब इस खीर को हम गार्निश कर देते हैं ये जो हमने पिस्ते की शेविंग्स रखी थी उनके साथ, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी हमारी खीर बनके तैयार है। ये खीर गरम गरम खाने में बहुत ज्यादा स्वाद नहीं लगती है, इसे थोड़ा आप ठंडा करके खाएं, और गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर में इसको थोड़ा चिल करके खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। व्रत में आप इस खीर को बना के खाएं और भी अच्छी लगेगी।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुकबुक.